नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में किसान आंदोलन जारी है और हरियाणा में तो बहुत तेज गति से इस आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है। वहीं इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जजपा के विधायक को गांव में बुलाने पर दो गुटों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लाठी डंडे चले, फायरिंग भी हुई और 7 लोग जख्मी भी हो चुके हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक। अगर किसानों के साथ है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान टाइप करें, अगर मोदी सरकार के साथ है तो ज्यादा से ज्यादा जय मोदी टाइप करें। देखते हैं किनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। जुलाना लके के गांव सिवा में जजपा विधायक अमरजीत डांडा को कार्यक्रम में बुलाने को लेकर हुई कहासुनी के चलते बुधवार दोपहर बाद दो गुटों में झगड़ा हो गया। नए कृषि कानूनों का नाराजगी के कारण विधायक का विरोध करने वाले पक्ष ने गोली चला दी। दोनों गुटों में चलने लाठी डंडों में एक पक्ष के 4, दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया है। गांव सिवा के निवर्तमान सरपंच वेदपाल ने आरोप लगाया कि 27 फरवरी को गांव में दादा खेड़ा पर भंडारा और रागनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जुलाना के विधायक अमरजीत डांडा को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। विधायक के आने पर रागनी कलाकार ने उनका स्वागत करना शुरू किया। गाँव में सुनील देवीलाल धर्मवीर सचिन अनूप उर्फ कारा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसने युवाओं को रोकने का प्रयास किया तो कहा सुनी हो गई। उस समय लोगों ने विवाद शांत कर दिया। वेदपाल ने बताया कि बुधवार को उसके परिवार में अशोक, कुलविंदर व राहुल गांव में आ रहे थे। पिल्लू खेड़ा व सिवाहा की सीमा के पास पहले से बैठे सुनील देवीलाल धर्मवीर, सचिन व अनूप व रौनक ने उनका रास्ता रोका, उसकी बाइक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। गाड़ी की टक्कर लगने से वे गिर गए। आरोपी ने उन पर लाठी डंडों से मना कर दिया। सूचना पाकर सरपंच वेदपाल के परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए और दोनों गुटों के में जमकर लाठी डंडे चले। इसी दौरान अनूप ने उन पर गोली चला दी। गोली के छर्रे अशोक के कान में लगे। वहीं दूसरे पक्ष के सचिन ने आरोप लगाया कि सरपंच के परिवार ने रंजिश में उन पर हमला किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक जज्बा विधायक के आने से गाँव में जो है माहौल बदल गया है, गांव का माहौल अलग हो गया है और आपसी झगड़ा शुरू हो गया है। तो ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का और गांव का। तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।